सो आज हम बनाएंगे मटन पाया। और उसके लिए हम लोगों ने एक प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर पे हम लोगों ने 4 टेबल स्पून ऑयल डाली है। ये मैंने रिफाइंड ऑयल ली है और उसे अच्छे से गर्म कर लिया। अब उसमें डाल दें 2 कटे हुए प्याज। मैंने ये बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं। इसे डाल कर अच्छे से फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए, ये देखें। बस इतना ही करना है हमें। और अब उसके बाद हमें डाल देना है इसमें मटन पाया। मटन टॉडलर्स भी बोलते हैं उसे, हमें बाज़ार में ऐसे ही मिल जाते हैं। सो बस घर पे लाकर हम लोगों ने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया। कुछ कसर बाकी हो तो वो देख लेते हैं। और इसे हमें तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई हमें इसलिए कर लेना है ताकि इसमें अगर कुछ स्मेल हो तो वो चली जाए। अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देनी है। ये हम मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून हम लोगों ने सॉल्ट का लिया है। इसे डाल दें, अच्छे से मिला लें। मिलाकर हमें बस अब इसमें पानी डाल देनी है। मैंने ये 4 कप पानी लिए है। इसे डालकर अच्छे से मिला लें। मिलाकर ढक्कन ढक दें प्रेशर कुकर की। और इसे प्रेशर कुक करना है हमें तकरीबन 40 मिनट तक। पहले सीटी तक हमें जो है वो हाई फ्लेम पे रखनी है और उसके बाद हमें लो फ्लेम करके 40 मिनट तक पकने हैं। देखिए हमारी 40 मिनट हो चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पाया गल चुकी है बट थोड़ी सी कसर अभी भी बाकी है। और ये हम लोगों ने कुछ करीली बोटियाँ थी हमारे पास। करीली बोटियाँ आप गोश वाले के पास में आपको पता चल जाएंगी या फिर आपको पता होगी करीली बोटी क्या होती है। इसकी पाए के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये हम लोगों ने डाल दी है। इसके साथ इसे अच्छे से मिला लें। कुछ और पानी डाल दें। डालकर उसे फिर से ढककर हमें तकरीबन 20 मिनट तक पकाने हैं। वही पहले सीटी आपको हाई फ्लेम पे और बाकी आपको लो फ्लेम पे पकानी है 20 मिनट। ये अच्छे से मिल चुकी है। अब आप इसे ढक्कन ढाक दें और फ्लेम पे चढ़ा दें। ये देखिए हमारी 20 मिनट हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी पाए की क्या कंडीशन है। ये देखिए हमारी करेली बोटी बिल्कुल परफेक्टली गली है और ये हमारा पाया है। आप देखिए काफ़ी गर्म है, ये देखिए परफेक्टली कुक्ड है बिल्कुल। बस अब हमें इसे और नहीं गलाना। अब हमें बस इस पर थोड़े से निहारी मसाला डाल देनी है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। थोड़े से बचा कर रखना है, हमें इसे एंड पे डालनी है। इसे मिला लें। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी डाला था, वो मैं क्लिपिंग्स में डालना भूल गई हूँ। सो आप लोग डाल दें 1 टीस्पून गरम मसाला। और ये मैंने 1 टेबल स्पून मैदा का लिया हुआ था, उसमें पानी डालकर घोल लिया है। और मटन सूप में आप डाल दें। डालकर अच्छे से मिला लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये हम लोग इसलिए मिलाते हैं ताकि आपके सूप थोड़े और गाढ़े हो जाए। ये मैंने और 4 कप मैंने पानी डाल दी थी, पकने के लिए छोड़ दिया था। अब आप इसकी ये देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। बचे हुए ये पाया मसाला है, निहारी मसाला, इसे डाल दें और मिलाकर फ्लेम को लो कर दें और ढक्कन ढककर कुछ देर इसे ऐसे ही दम पर छोड़ दें। और बस आपकी पाया रेडी है, लजीज पाया रेडी है। अब आप इसके साथ तो बटर नान, नान, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी किसी के भी साथ खाएं। इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से धनिया पत्ता और नींबू डालकर बस ये बेहतरीन लजीज मटन पाया इज़ रेडी।